मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, सुमित पीर भाई इंडियन पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। आप इनको इंडियन मीडिया में देखते हैं और बड़ा जबरदस्त एनालिसिस करते हैं। अगर मैं ये कहूँ, ऑन अ कैमरा कह रहा हूँ, कभी इनके सामने वैसे नहीं कहा कि मेरे फेवरेट तज्जियाकारों में से हैं। द रीजन बिहाइंड दैट इज नॉट कि ये मेरी इनसे कोई को बॉन्डिंग है या मेरे चैनल पे आते हैं, बिकॉज ही इज लॉजिक एंड ही कीप्स हिमसेल्फ न्यूट्रल टू द मैक्सिमम। और ये एक अच्छा पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच सुमित पीर भाई। वंस अगेन सुमित पीर भाई, आज पहले आपका तो आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, रियली अप्रिशिएट इट। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू सुमित भाई। वो जी जुबानी वज़ीरे आज़म कशीदा साहब आए थे और जी वो हमारे हालात कशीदा कर गए और आप दोनों के हालात मजीद ठीक कर गए। आपने उनके साथ जो ज्वाइंट कम्युनिके दिया जारी हुआ है, उसमें तो जी वो तो कम्युनिके में उसमें आपने हमें भी जो है वो कहा जनाब के FATF और पठानकोट और मुंबई और फलान ढमकान। तो इंडिया एट टाइम्स मौके ढूंढ रहा है कि जहां जहां पाकिस्तान को दबाया जाए वो दबाना चाहिए, या कि आप समझते हैं कि ये स्टेटेड पॉलिसी है, आप हर एक वजीर आजम के साथ ये ज्वाइंट कम्युनिके में रखते हैं। जरा ये तो हमें एक्सप्लेन करें। पाकिस्तान में तो इस हवाले से कोई बात नहीं है, शायद पाकिस्तान तो इसको डाउन प्ले कर गया, या पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी आई थिंक इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया। पहला ही मैंने आपको गूगली फेंक दी है बकौल आपके। वो तो आप तो दुनिया के बेस्ट गूगली मास्टर है, मैं तो कहता हूँ आपको, खताब देता हूँ आपको। देखिए चीमा साहब, ये जो आए थे ना, देखिए पहला, देखिए हर 5 साल बाद एक जो जापानीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया है इसको रिव्यू किया जाता है, एक 5 साल बाद, हर 3.5 साल बाद एक इंडो जापानीज समिट होता है। पीछे होना था कोविड वोविड के कारण थोड़ा डिले हो गया। अब जो नए प्राइम मिनिस्टर साहब है, अगर आपको याद है पुराने प्राइम मिनिस्टर साहब शिंजो अबाबे, माय जापानीज प्रोनाउंसिएशन माइट नॉट बी सो गुड, इनका मोदी जी के साथ बहुत यारी दोस्ती थी, बहुत दोस्ताना था, और मतलब अच्छी पर्सनल केमिस्ट्री थी। अब नए प्राइम मिनिस्टर साहब को यह है कि भाई मैं उनसे आगे जाऊं, मैं उनसे ज्यादा दोस्ती बताऊं। उसका कारण भी बताऊंगा आपको क्या है। अगर आप देखें, इन्होंने $7 बिलियन और कमिट कर दिए, पहले 35 बिलियन था लास्ट टाइम, इन्होंने 42 बिलियन बोल दिया। अच्छा, ये अगर आप देखें तो इसमें कहीं जापान में भी इधर उधर कई बेस्टर्स थी, भाई आप इतना कमिटमेंट ना करें, बट ही वॉन्टेड टू कमिट मोर मनी मोर इन्वेस्टमेंट्स टू इंडिया, दैट इज पॉइंट नंबर वन। अब दूसरा, यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है चीवा साहब, जापान की यहाँ करीब 1500 कंपनियां हैं, 1500 जापानीज कंपनीज आर वर्किंग इन इंडिया। सर यहाँ जापान के 3 जापान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं विच आर एक्सटेंसिवली फॉर जापानीज कंट्रीज, ये 3 डिफरेंट स्टेट्स में है। अभी यहाँ 10,000 जापानी हु आर रेजाइडिंग इन इंडिया ऑन अ वर्क परमिट एंड ऑल, जो भी प्रॉपर पेपर वर्क लीगल वर्क वो रहते हैं यहाँ पे। तो जापान का काफी सारा इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पे है। अब इसमें एक और चीज समझिए, अगर मैं इसमें देख रहा था, ये जो नए पीएम साहब है इन्होंने इतना क्यों कर दिया, उससे भी आगे निकल के। अच्छा, बुलेट ट्रेन में आपको पता होगा $50 बिलियन जो गुजरात से बॉम्बे बनी, $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है एट 1% इंटरेस्ट, ठीक है जी, टोटल प्रोजेक्ट पे। जबकि पाकिस्तान अगर आप देखें, आप चाइनीज बैंकों से लेते हो 5 से 6% इंटरेस्ट पर ईयर पे, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू पे एट सच हाई इंटरेस्ट रेट। मतलब अगर 10 साल का हिसाब लगाए तो लगभग डबल पैसा देना है, तो वो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अब यहाँ क्या, देखिए चीमा साहब, आप थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, जापान के पास जो पॉपुलेशन है चीमा साहब, 75% ऑफ द पॉपुलेशन इज अबव 60 ईयर्स, 75% ऑफ द पॉपुलेशन इज अबव 60 ईयर्स। तो जापान में यूथ नहीं है, जापान में जगह, मैं जापान गया हूँ, एक ही शहर है जिसमें पर एक 3 लेयर का फ्लाईओवर है, एक बहुत महंगा शहर है साहब। पहली बार मैं गया नरेता में उतरा, मैं करीब 7-8 साल पहले की बात बताऊं, 9 साल मैं नरेता से स्टी गया, मेरे को $400 सिंगापुर टैक्सी का बिल आया, क्योंकि मैं ही एक बावला था जो टैक्सी में जा रहा था, सब ट्रेन बस में जाते हैं, मैं तो टैक्सी में बैठ गया जी, पहली बार गए थे। फिर मैंने देखा यार, एक वाटरमेलन का स्लाइस $10 का, तो महंगाई बहुत है। मोस्ट वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस टू लिव इज टोक्यो ओसाका, अब भी है नंबर 1, नंबर 2 टोक्यो ओसाका यहाँ आते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, पॉपुलेशन इनकी है नहीं। देखिए जापान इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ नर्सेज, सबसे ज्यादा नर्सेज दुनिया में जापान आता है, कि मैंने आपको इकोनॉमिक्स दी, जगह वहां है नहीं, कील एक निकलती नहीं वहां से, कील सब सारा आयरन और इंपोर्ट करते, आबादी है नहीं, जवान वहां बच्चे नहीं, नर्सों का इंपोर्टर है। पर जापान वर्ल्ड की 4th बिगेस्ट इकोनॉमी भी है भाई, GDP है, 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी भी है, GDP कभी 3rd है कभी 4th है। अब इस सारे को चलाने के लिए उन्हें चाहिए इंडस्ट्रियल बेस, उन्हें चाहिए जहां प्रोडक्शन हो चुके, जहां प्रोडक्शन सस्ते में हो सके,
फायदेमंद हो सके और मार्केट, हम उनको प्रोडक्शन भी देते हैं मार्केट भी देते हैं। जो ट्रेड है चीमा साहब अराउंड $12 बिलियन का है जापान और इंडिया का, और ये ट्रेड बढ़ रहा है। अब मैंने आपको बताई दिया 1500 कंपनियां यहाँ पे, 10,000 लोग यहाँ परमानेंटली रहते हैं। अब इस सबको देखते हैं, और आपको ये पता होगा चीमा साहब की जापान और चाइना की हिस्ट्री है, वो सेक्स स्लेवरी बहुत बहुत लवड़ा आपस में। तो चाइना इज नॉट ऑप्शन फॉर जापान, चाइना इज नॉट ऑप्शन फॉर जापान। चाइना के ऑप्शन क्या बचता है? अगर आप चाइना नहीं जाओगे तो आप इंडिया होगे। सो इंडिया इज द ओनली ऑप्शन विच इज सस्टेनेबल फॉर जापान। इसीलिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी की, ये सब की। अब जो एक अब दूसरा इसमें एक और एंगल आता, अब जापान के पास फौज तो है नहीं, जापान डजंट हैव अ आर्मी, मतलब एक सस्टेनेबल आर्मी नहीं है, नेटो के कवर में है, और जापान क्वाड का भी मेंबर है। अभी जो यूक्रेन में हुआ तो जापानीज प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले ये कोशिश की थी कि इसमें यूक्रेन डलवा दे जॉइंट प्रेस रिलीज में, और बोले भाई इंडिया शुड कंडेम यूक्रेन एंड ऑल, पर वो पता नहीं क्या ऐसा चक्कर चला, यूक्रेन वोक्रेन तो निकल गया बाहर। और हाँ, हमने ये बोला कि भाई यूनिलैटरल चीजें वर्ल्ड में चेंज ना हो, और उसके संदर्भ में यूनिलैटरल चीजें वर्ल्ड में चेंज ना, दुनिया में अमन शांति बरकरार रहे, उसके संदर्भ में ये दो तीन रेफरेंसेज जिनका मेंशन कर रहे थे, ये चीजें आ गई। सो दे आर इन कंटेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड पीस, दे आर इन कंटेक्स्ट ऑफ द रीजनल पीस, ये लाए थे। तो इसमें मतलब इसमें कुछ जादू है नहीं, इट इज जस्ट हाउ यू काइंड ऑफ स्ट्रक्चर थिंग्स, एंड ऑब्जेक्टिव तो पीस ही एट द एंड ऑफ द डे, ऑब्जेक्टिव तो पीस ही। आप देखिए पीस के परिपेक्ष में, इन कंटेक्स्ट ऑफ पीस दीज थिंग्स हैव बीन गॉटन। और कमर्शियल मैंने आपको बताया, डेमोग्राफिक इंटरेस्ट बताया, इकोनॉमिक इंटरेस्ट बताया, और जापान अब भी कॉन्स्टेंटली चीमा साहब पिछले 20 साल से नंबर वन नंबर टू मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस टू लिव इज कॉन्स्टेंटली जापान। जापान में रहना कोई आसान बात नहीं है, मतलब अगर आप जाए तो आपको लगेगा यार सुंदर है बहुत, मैंने होकाइडो देखा, माउंट फूजी देखी, फोटो वोटो सब खींची, पर जब पैसे देने लगते हो ना साहब, लगता नहीं भाई ये है दुनिया की सबसे महंगी जगह, बाकी सब इसके सामने पानी भरते हैं। डेमोग्राफी इज नॉट विद जापान, इंडस्ट्री के लिए उन्हें इंडिया चाहिए, सब चीजों के लिए इंडिया चाहिए। तो इंडिया के साथ जो दोस्ती है, ये कुछ दोस्ती भी है, कुछ जरूरत भी है, और कुछ मौके की नजाकत भी है साहब। ये आपने सही एक्सप्लेन किया है कि जो जापानीज प्रॉब्लम क्या है, तो हम तो फिर गलत जो है मुल्क को जफ्फी डाल के बैठे हुए हैं। हमें तो वो जिसे कहते हैं ना इमरान खान साहब, तो फिर वो बात करते हैं, वो बात तो ठीक करते हैं कि इंडिया ने अपने आप को आजाद रखा है तो जापान भी पहुंच जाता है, चाइना भी पहुंच जाता है, अमेरिका भी पहुंच जाता है। हमने अपने आप को कैद कर लिया हुआ है या तो मुसलमानों के इर्द गिर्द या हमने चीन के इर्द गिर्द, तो फिर इमरान खान साहब तो हमारे ठीक है इस हवाले से। तो वैसे बात तो सुने, दोबारा मैं आता हूँ उस पे FATF पे, वो आपने वो आंसर नहीं किया। सुमित भाई एक बात बताइए, इमरान खान साहब इंडिया की तारीफें करनी शुरू कर गई, इंडिया में क्या माहौल है इसको लेकर के? मैं तो देख रहा था सारा मीडिया ही परेशान हो गया कि इमरान खान जो मोदी जी को गालियां दे रहा था, फासिस्ट है, फलाना है, RSS है, क्या क्या कहते थे, तो आज जाते जाते जब उनकी छुट्टी हो रही है कोई एक हफ्ता रह गया तो कहते हैं बल्ले बल्ले कर दी उसने। अब देखिए चीमा साहब, देखिए आपको तो मैं गूगली मास्टर इसी लेके आता हूँ, आप सवाल भी है जवाब भी देते हैं सब कुछ देते हैं, आपको ना बाउंड्री जैसे वो रिंग होता है ना चार खंभे सेट कर देते हैं, बोलो चलो भाई बीच में बॉक्सिंग कर लो ऑन अ लाइटर नोट। तो देखिए आप खुद ही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जाते जाते बड़ी मोदी जी की तारीफें कर रहे। अब सर जो जाने वाला है, जो जा रहा है, वो तो देखिए जाते जाते आदमी दिल की बात कह रहे थे, कहता अच्छा यार सियासत तो रहनी नहीं, गद्दी रहनी नहीं है, अब किसी को दुआ सलाम करनी नहीं है, चलो अब आगे की रणनीति तो बनाओ। मैं सच बताऊं चीमा साहब, जब मैंने वो वीडियो देखा था, शायद आपने भी ट्वीट किया था, तो मैंने उसको दो बार देखा यार, मैंने कहा चीमा साहब ने क्या ट्वीट कर दिया वीडियो, यार मैं कोई गलत तो नहीं सुन रहा। फिर मैंने कहा हमारे यहाँ भी लोग ट्वीट करने लगे, मैं कहा नहीं नहीं वीडियो तो सही है, कई बार होता ना कोई डॉक्टर्ड वीडियो तो नहीं कुछ इधर। मैं जब सारे ही ट्वीट करने लगे, मैं कहा नहीं यार ये वीडियो सही है, नियाजी साहब जाते जाते बड़े मेहरबान हो रहे जी, कहते हमने ये। मैं अब सवाल ये चीमा साहब, नियाजी साहब 4-5 साल तो सत्ता में थे, तो भाई वो हिंदी में गाना है ना, देर लगी आने में तुमको शुक्र है तुम आ तो गए, आइए आपका क्या है, आइए आपका वो है स्वागत है व्हाटएवर, तो इतनी देर क्यों लगी आने में नियाजी साहब को? बाकी जवाब आप ही ने दे दिया, भाई जा रहे हैं तो चलो यार कुछ तो बोल जाए। बट हाँ ये एक बात जरूर है कि देखिए अगर पाकिस्तान थोड़ी फॉरेन पॉलिसी चेंज करे, थिंग्स कैन हैपन, पोटेंशियल तो वहां भी है, पोटेंशियल की कमी तो है नहीं, पोटेंशियल तो आपके यहाँ भी कोई ऐसी बात है। अगर ये फॉरेन पॉलिसी को चेंज किया जाए, चीजों को थोड़ा चेंज किया जाए, काफी चीजें हो सकती है। बट अनफॉर्चुनेटली अब जाते जाते नियाजी साहब कह रहे हैं, और वही वाली बात है, कुछ दिन पहले कह रहे थे कि भाई ट्वीट पे ट्वीट कर रहे थे मोदी जी के अगेंस्ट,
आपको याद होगा हमने शायद इस पर डिबेट भी किया था, ट्वीट पे ट्वीट डाल रहे थे, ये डाल रहे थे वो, कभी तो वो बांग्लादेश वाला वीडियो कश्मीर पर बताते हैं, कभी फलस्तीन वाला वीडियो कश्मीर पर बताते हैं, और कभी कभी तकरीर कर जाते हैं। बट एक बात बताऊं, वो देखिए बुरा मत मानिएगा चीमा साहब, दिस इज नो ऑफेंस, मैं एक चीज मानता हूँ जी, एक मेरी एक टर्म है, मैं मेरी अपनी इजाद है, पॉलिटिकल पप्पू। अब क्या होता है ना, कोई एक तो पॉलिटिशियन बन के आता है जो मतलब जमीनी पॉलिटिशियन है, जो जिसके मतलब मैं कहता हूँ कान के बाल में भी पॉलिटिक्स है, एक वैसा पॉलिटिशियन है। दूसरा क्या होता है जी, आप क्रिकेटर हो, आप एक्टर हो, डायरेक्टर हो, आप फेमस हो, आप एक पर्सनैलिटी हो, तो आप बाय डिफॉल्ट यू गेट पावर। हमारे भी अमिताभ बच्चन साहब आए थे पॉलिटिक्स में, नहीं चल पाए, कई जगह पे चल जाते थे, यूएस में एक्टर वैक्टर चल गए, बट हमारे आपके यहाँ जो पॉलिटिक्स है बहुत हार्ड कोर है यहाँ, वो जब तक तो वो मंझा हुआ पॉलिटिशियन नहीं आएगा ना, क्योंकि उसको पता है चीमा साहब हमारे कॉन्सेप्ट है लक्ष्मण रेखा, डेडलाइन, व्हाट इज द एंडलाइन, एंडलाइन कहाँ है, जब तक तो वो आपको पता ना हो आप पॉलिटिक्स को चलाना आपके लिए मुश्किल है। आप यूक्रेन में ही देख लीजिए, स्टैंड अप कॉमेडियन आ तो गया, अब क्या हालत हो रही है, क्या नहीं हो रही है, अब उसकी भी फॉरेन पॉलिसी कहाँ थी, क्या गलतियां की, चले वो उस पर हम डिबेट कर चुके, डिस्कशन कर चुके। तो नियाजी साहब को भी ये समझना चाहिए वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। सर व्हाई डिड आई आंसर फ्रॉम अ जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जापान की जो प्रेफरेंसेस हैं, जापान की केवल ट्रेड नहीं है, उनकी डेमोग्राफी को भी देखना पड़ेगा, उनके लैंड को भी देखना पड़ेगा, उनके चाइना के साथ इशू भी देखने पड़ेंगे। अब नया प्राइम मिनिस्टर पुराने से आगे जाना चाहता है, ये भी देखना पड़ेगा, यूक्रेन लाना चाहे नहीं ला पाया, और उल्टा ये सब चीजें आगे को पीस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अब उसको डर भी ये लग रहा जो यूक्रेन में हो रहा है, उसको लग रहा है हमारे पास आर्मी तो है नहीं, और कहीं ना कहीं चीमा साहब एक सवालिया निशान तो दुनिया में खड़ा हो ही गया है कि नेटो आपको बचा पाएगा, कितना बचा पाएगा, किस किस से बचा पाएगा। तो ये हम नए समीकरण बन रहे हैं, नई इक्वेशंस बन रही है, और अगर इनका ऑब्जेक्टिव पीस है तो अच्छी बात है, पीस के लिए बनना कोई बुरी बात नहीं। बिल्कुल ठीक है, अब जरा आ जाए ना जी, वो जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है इंडिया और जापान की, उसमें हमारी तो लीडरशिप, मैं तो हैरान हूँ, उन्होंने जवाब ही कोई नहीं दिया, उन्होंने रिएक्ट ही कोई नहीं किया, सारे मसरूफ हैं। इमरान खान साहब को पता है मेरी छुट्टी हो रही है, उधर से ओआईसी के सारे वज़राए खारजा पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो जरा थोड़ी एक्टिविटी तेज हुई पड़ी है, लेकिन इंडिया ने जो है वो इस जॉइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान के बारे भी एक क्लॉज रखा हुआ, और उसमें उस क्लॉज में जनाब है, वैसे तो बड़ी अच्छी स्टेटमेंट थी वो इंडो पैसिफिक के हवाले से, और मैं तो इस पर बड़ा पीट रहा हूँ कि पाकिस्तान एक मैरीटाइम नेशन है, हमारा भी 700 किलोमीटर का बॉर्डर है, सिर्फ इंडिया अकेला इंडियन ओशन में नहीं है भाई, अपने आप को अफ्रीका दूसरी दुनिया में एक्सप्लोर करो, हम वही कॉन्फ्लिक्ट जोन में बैठे हुए हैं कि जी इस वेस्ट एशिया, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, और यहाँ से यूरोप पहुंचना है, हम इस खित्ते को खित्ते ही नहीं समझते अनफॉर्चुनेटली। तो ये समझ भाई, ये बताइएगा कि ये जो स्टेटमेंट है, जो ज्वाइंट स्टेटमेंट एफएटीएफ के वाले से आई, इससे पाकिस्तानी तो वो कहते हैं कि इंडिया जो है वो अपना कर रहा है, और इंडिया कह रहा है जी कि पाकिस्तान को एफएटीएफ में रखा जाए, और साथ में वो जो मुंबई और वो पुरानी चीजें सारी, तो इसमें जरा आपका क्या व्यू है कि ये स्टेटमेंट से क्या मुराद था, कि पाकिस्तान में मजीद प्रेशर डाला जाए, जो एक खास नरेंद्र मोदी साहब की पॉलिसी है उसको किया जाए, फोर्स किया जाए, क्या देखिए चीमा साहब, अगर मैं इसका डायरेक्ट जवाब दूं, ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूस कवायद चल रही है, कि जापान के साथ नहीं चल रही, हर जगह चल रही है, इंडिया की एक कवायद चल रही, भाई वर्ल्ड को हाईलाइट किया जाए ये दिक्कत है, यहाँ यहाँ दिक्कत है, ये पेंडिंग मामले हैं, इन पर का कोई फैसला हुआ नहीं। अब एफएटीएफ में पीछे तो ये बात भी हो रही थी कुछ दिन पहले कि भाई पाकिस्तान संस्था ब्लैक लिस्ट में चले जाए, पर शायद गया नहीं, या कुछ ऐसी भी बातें चल रही थी। अब देखिए, अब ये जो चीज़ें हैं, कोई कंक्रीट स्टेप तो आ नहीं रहा कुछ कुछ रेजोल्यूशन का, किसी चीज़ को सेटल करने का, किसी चीज़ को ख़त्म करने का। तो अब जब रेजोल्यूशन आ नहीं रहा, तो भारत क्या कर रहा है कि भाई एक डिप्लोमेटिक प्रेशर जो होता है, ग्लोबल डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, which we are entitled, भाई ये हुआ है, यहाँ ये मसला हुआ, यहाँ ये मसला हुआ। तो डिप्लोमेसी में तो चीमा साहब यही है ना, जिस जिसका सपोर्ट मिले, जितना जितना सपोर्ट मिले, देखिए कोई आपकी लड़ाई लड़ने नहीं आता, बट हाँ एक इनफॉर्मल सपोर्ट आता है, एक चीज आती है, हाँ जी हाँ आप हम आपके साथ है, वी एग्री विद योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो धीरे धीरे इफ पीपल, मोर एंड मोर पीपल एग्री विद योर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट पॉइंट ऑफ व्यू बिकम्स द गॉस्पल फैक्ट, दैट इज द बेंचमार्क। जैसे एक्शम है, एक्शम की डेफिनेशन क्या है हमारी ट्रिग्नोमेट्री, एक्शम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फैक्ट विच नीड्स नो फर्दर एक्सप्लेनेशन, ये हम एक्शम को बताते हैं इन ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री। तो वैसे ही ये है कि व्हेन इट रीचेस अ लेवल व्हेन एवरीबॉडी एक्सेप्ट्स इट,
then that is the norm, that is the main matter, that is where the status is. That is what we are trying to do diplomatically. मतलब इसमें मैं कोई वो नहीं, मैं logically बहुत direct बात करता हूँ, इसमें कुछ इधर उधर दाएं बाएं बात करने वाली बात नहीं है. We think, हमें लगता है ये ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, हम जो भी आता है उसको बता, देख भाई ऐसा हुआ, वो कहता हाँ जी ठीक हो, हम भी इसको मानते हैं. तो अब इसके लिए पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री को चाहिए था वो काउंटर करे, वो इस पर अपना यू नो दे ने करे. बट प्रॉब्लम ये कि वहां तो आप लोग तो कहीं और ही बिजी रहते हैं, तो अब कहाँ ये सब चीजें, तो शायद अब खान साहब को भी कहते हैं कि हमें तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता जी, कुछ भी बोल दो, वो तो कमर तो फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क पड़ता है वो कमर चीमा कोई फर्क पड़ता है, मैं फर्क ही नहीं पड़ता जी. देखिए एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, देखें मुझे तो बड़ा फर्क पड़ता है, अपने मुल्क के बारे में बात करनी चाहिए, आपको रैशनल रहना चाहिए. और हमारी जो माजी की पॉलिसीज हम तो तनकीद करते हैं. देखिए अगर आपने ये जो जब हमारे लोगों ने जहाद का इस्तेमाल किया एज ए स्टेट पॉलिसी, हम तो उसकी तनकीद करते हैं. और रियासत का काम ये नहीं है कि वो जो है वो बंदे तैयार करे, उनके हाथ में असला पकड़ाए और वो जाके दूसरे मुल्कों में लड़ते रहे. वो डो नॉट बिलीव इन, मैं पर्सनली इस चीज को सब्सक्राइब नहीं करता. खैर एनी हो, समझ पर भी इंडिया जापान इंडिया की बात हो रही है, इंडो पैसिफिक की बात हो रही है, आप क्या समझते हैं क्वाड और में अगर जैसे है और इंडिया और जापान का 2+2 डायलॉग अलहदा भी है, क्वाड अलहदा है, ये एक अलहदा चीज जो भी हुआ है, जैसे शिंजो एब का आपने जिक्र किया, बल्कि शिंजो एब साहब ने तो इंडो पैसिफिक की जो पॉलिसी है उसकी बुनियादी आपकी पार्लियामेंट में खड़े होकर 2007 की स्पीच में रखी और वो सारा हुआ. बिल्कुल सही. आप जापान और इंडिया के लिए चाइना कितना बड़ा चैलेंज है, लेकिन एक चीज तो कही जाती है कि आपका एक दफा तो चीन के साथ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होना है. सो इज देयर एनी पोजीशन वेयर जापान एंड इंडिया इज गोइंग टू कम एज ए जॉइंट मिलिट्री डिफेंस होगा, क्योंकि उनके पास तो फौज भी नहीं है. खैर वो तो उनका एक आर्टिकल 9 है जिसके तहत वो अपनी फौज नहीं रख सकते, और अमेरिकन उनको अपनी वो सिक्योरिटी देते हैं सारी, और वो बैठे हुए हैं वहां पे पैसिफिक ओशन में, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर भी मौजूद है, वो सारा उसको देखते हैं. तो क्या इंडिया और जापान को ज्वाइंट डिफेंस मैकेनिज्म भी स्टैब्लिश कर सकते हैं अगर कल को चीन हमला करे इस तरह की चीज, क्योंकि चीन ने कुछ ना कुछ तो करना है, भले साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में, इंडियन ओशन में, ये सारा जो बैकयार्ड है उनका. जैसे वो थोड़ा सवाल लंबा हो गया, जिस तरह बांग्लादेश में वो अपना कोई मिसाइल सरफेस टू सरफेस मिसाइल मेंटेनेंस यूनिट भी लगा रहे हैं, तो ये कैसे देखते हैं आप इसको, कल को कोई ऐसी पॉसिबिलिटी भी है? देखिए चीन के साथ हॉस्टिलिटी इज अ रियलिटी, द हॉस्टिलिटी विद चाइना इज अ रियलिटी, मतलब नोबडी कैन डिनाई इट, एक रियलिटी है. पर अब चाइना का देखिए दो चीजें अच्छी मैं साहब इसमें, पहले अगर आप चाइना की इकोनॉमी स्टडी करें, इसका एक इकोनॉमिक आंसर भी है. कारण क्या है, चाइना के पास अभी 50 ट्रिलियन का डेट है, विच इज 65% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी. डेट सर्विसिंग कॉस्ट 1 ट्रिलियन है. पिछले 20 साल से उन्होंने युआन कंट्रोल कर रखा है. मुझे बताइए हमारा डेट 1.5 ट्रिलियन है, यूएस का डेट काफी काफी कम है चाइना से, जबकि बहुत बड़ी इकोनॉमी है, 1/3 है चाइना का, जबकि चाइना से डबल इकोनॉमी है. अब ये चाइना ने बहुत सारा पैसा दुनिया में इधर उधर प्रोजेक्टों पर फंसा रखा है, बट चाइना का एक ही पेच है, चाइना का जो रास्ता है वो साउथ चाइना सी से जाता है, स्ट्रेट ऑफ मलाकासम का ट्रेड जाता है $3 ट्रिलियन का, ठीक है जी. एनर्जी वहीं से आती है, जो जो उन्होंने ग्वादर पोर्ट डेवलप करना था, जो ग्वादर की बात चल रही थी, तो ग्वादर को बेसिकली उन्होंने तो था कि हमारी एनर्जी आएगी और हमारा एक मिलिट्री बेस बनेगा, और उनको ज्यादा कोई मंशा वहां थी नहीं, ट्रेड वेड तो थी नहीं. अब आप जानते 3 साल से सीपेक पे भी काम ठंडा पड़ा है. अब बट चाइना में एक पेच फंसा पड़ा सर. अगर चाइना पे आप सीमा साहब सोचे वही सेंक्शन लगा दी जाए जो यूएस ने रशिया पे लगा दिए, चाइना टूट जाएगा, चाइना कैन नॉट सस्टेन. चाइना का इन्वॉल्वमेंट इन वर्ल्ड ट्रेड इज वेरी हाई, जबकि यूएसएस का या रशिया का इन्वॉल्वमेंट इन वर्ल्ड ट्रेड कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है. पुतिन के बाद $630 बिलियन का रिजर्व तो आज के डेट में भी रखा है. अब भाई आबादी कितनी उसकी, 14 करोड़ है, आपसे हमसे बहुत कम है, और इतने बड़े रिसोर्सेज है, 1.4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 1.4 ट्रिलियन फॉर 14 करोड़ इज नॉट बैड, इट्स गुड इन फैक्ट, ठीक है. तो इतना रिजर्व रखा पड़ा अगर, पर चाइना को कहीं ना कहीं दुनिया को यह लगता है अब चाइना की ना दुनिया से पेच फंसे पड़े, अगर इन पर सैंक्शन लगा दो तो ये चाइना टूट जाएगा, क्योंकि चाइना का डेट बहुत ज्यादा है, डेट सर्विसिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है. इसलिए अगर आप देखें यूएसए क्यों फोकस कर रहा है रशिया पे, नॉट ऑन चाइना, क्योंकि पता चाइना का कहीं ना कहीं पेच फंसा पड़ा. चाइना में गोस्टीज देखिए, अभी उन्होंने टेक का क्रैकडाउन किया $3 ट्रिलियन का, वहां 149 बिलियनर्स आर मिसिंग इन चाइना, 149 बिलियनर्स आर मिसिंग इन, ये जैक महा जिंदा हो गया जैसे तैसे.
अब जैसा चाइना पे प्रेशर पड़ेगा चीमा साहब, यू आर राइट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ फ्लैश पॉइंट। अब वो फ्लैश पॉइंट साउथ चाइना सी होगा, वो हिमालय होगा या कहीं और होगा, बट लुकिंग एट द जियो स्ट्रेटजी, चाइनीज आर नॉट वेरी गुड एट फाइटिंग इन हिमालयस। चाइना डजंट वॉन्ट टू फाइट इन साउथ चाइना सी बिकॉज दैट इज द ओनली सी रूट। ठीक है, अब यहाँ चाइना की पूरी कोशिश होगी कि वो कहीं ना कहीं पैसिफिक ओशन पे अपना कुछ वर्चस्व या कुछ अपना होल्ड करे। उसको रोक रहा है जापान। अगर ताइवान गिरता है, इफ ताइवान फॉल्स जियोपॉलिटिकली दैट इज द लास्ट आइलैंड चेन, तो चाइना का तो सीधा सीधा कंट्रोल आ जाएगा लगभग लगभग जापान के पास, साउथ कोरिया के पास, मतलब चाइना इज इन पैसिफिक। देन चाइना का पैसिफिक में आना बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी इन जियोपॉलिटिक्स। तो जापान का रोल ये होगा, जापान विल एक्ट एज अ बेस, जापान विल एक्ट एज अ प्लेस विच कैन नॉट फाइट पॉसिबली बट होस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम इट्स लैंड। तो जो अभी जैसे अगर आप देखें यूनाइटेड एयरलाइंस है, अभी यूनाइटेड एयरलाइंस का एशिया हब नरिटा है, लॉजिकली सिंगापुर होना चाहिए था, बट यू नो बिकॉज यूएस जापान के काफी टाइप, तो उन्होंने नरिटा में एयरक्राफ्ट कैरियर कहा है, या सुबिक में है, मैं या फिलीपींस में, यहाँ यहाँ, अब फिलीपींस यहाँ है, जापान यहाँ है, आप देखिए ऐसे रखे कैरियर, आधे यहाँ आधे यहाँ। तो ये एक यूएस की स्ट्रैटेजी चलती है। तो जापान के पास आर्मी नहीं है स्ट्रैटेजी, मतलब वो कितनी देर बनाएगा क्या बनाएगा, बट जहाँ जापान की पोजिशन है, जो उसकी ज्योग्राफिकल पोजिशन है, दैट इज अ बिगर एडवांटेज टू समहाउ कंटेन चाइना, कि चाइना कैन नॉट अफोर्ड वॉर इन साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में वो लड़ ही नहीं सकता, अगर वो लड़ेगा उसकी इकोनॉमी सर्वाइव नहीं करेगी, उसका फ्यूल आना बंद हो जाएगा, उसका ट्रेड रुक जाएगा, 3 trillion का जिसका एक्सपोर्ट हो, यू कैन नॉट रिस्क दैट। तो इसीलिए चाइना के जो पेच फंसे पड़े हैं ना, वो है इकोनॉमी में और उसके डेट में, इसीलिए अगर उसको कंटेन करना है, यू कैन बी कंटेन। चाइना हैज ऑनेस्टली, चाइना हैज अ लॉट टू लूज। हिमालय में वो गलवान में करके देख चुके, उन्हें लगा यार यहाँ तो अपने से होगा नहीं, वो फिर कुछ दिनों तक तो जब अपने बंदों को एवैक्यूएट कर रहे थे जहाजों से, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर की उनको तैयारी है नहीं, तो ये वहाँ चीज़ है। साउथ चाइना सी में अब लड़ नहीं सकते, बट हाँ चाइना ये करता रहेगा छोटे मोटे फ्लैश पॉइंट्स, यहाँ पंगा वहाँ दंगा, वो हिंदी में कहते एक वर्ड है पर मैं बोलूंगा नहीं, अच्छा वर्ड नहीं है, तो आप समझ के होंगे क्या बोल रहा हूँ। वो करते रहेंगे, वो इधर उधर पंगे वंगे काटते रहेंगे, बट कैन चाइना रियली फाइट? चाइना तभी लड़ेगा जब जी जिनपिंग इज एब्सोल्युटली डेस्परेट, इट इज नाउ और नेवर फॉर हिम, तब वो ही विल गो फॉर अ फ्लैश पॉइंट। आई एग्री विद यू ऑन दैट, एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, वी डिस्कस इन आवर नेशनल टीवी आल्सो, जब वो डेस्परेट होगा तो ही माइट गो फॉर अ फ्लैश पॉइंट, कि भाई अभी नहीं तो कभी नहीं, वो वाली परिस्थिति। आखिरी सवाल, मतलब टूट करने लगा था, लेकिन आखिरी सवाल, पता चला था कि वांग यी जो कि इस वक्त इस्लामाबाद आए हैं, आज मुझे पता चला OIC की पहली दफा चाइनीज जो है वो OIC के इजलास में आ रहे हैं, ये बताइएगा कि वो भी इंडिया भी आ रहे हैं तो क्या हुआ, हालात ठीक कर लिए, मोदी जी ने रिक्वेस्ट की या चीनी खुद ही आ गए हैं भागम भाग मोदी जी के चरणों में, जिस तरह आप पसंद करते हैं मीडिया। देखिए चीमा साहब, एक बात तो खैर बात है कि देखिए अभी हमने रशिया को भी तेल बेचा था, ठीक है सर, रशिया से तेल भी लिया तो काफी लोगों में हड़कंप मच गई, नियाजी साहब भी कह रहे थे कि भाई रशिया से तेल मंगा रहे ऐ की हो या, चलो वो भी बात कर लेंगे हम। देखिए अब चाइना का जो हमसे बिजनेस है उसमें अब भी $50 billion का ट्रेड डेफिसिट है हमारा, उनका ट्रेड सरप्लस है, हमारा ट्रेड डेफिसिट है, उनका ट्रेड सरप्लस है। वी गिव $50 billion मोर टू चाइना स्टिल, एक बार $72 billion था, 50 के आसपास आ गया है इन ट्रेड। चीमा साहब एक बात बताओ, अगर आप मुझे $50 billion दे रहे हो तो मैं तो आपके घर आऊंगा ही आऊंगा, आप नहीं बुलाओगे तब भी आऊंगा, आप दरवाजा बंद करोगे तब भी, भाई साहब दरवाजा तो खोल लो। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स कंट्रोल जियोपॉलिटिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स कंट्रोल जियोपॉलिटिक्स। चाइना पे भी इकोनॉमिक प्रेशर आए हैं कोविड के बाद, जो डिसेंट्रलाइजेशन होता, जो आप अगर आप ये ज्वाइंट स्टेटमेंट भी देखें इंडिया और जापान का, इसमें डिसेंट्रलाइजेशन की बात की है, रेजिलियंस ऑफ सप्लाई चेन्स, ये वर्ड यूज किया गया, रेजिलियंस ऑफ सप्लाई चेन्स। तो अब चाइना को भी दिख रहा है हर तरफ से ना, ये कह रहा है यार, अच्छा अगर आप किसी भी MNC में आज इंडिया में काम करते, एक क्लियर मैसेज है पूरे इंडिया में, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइना। ये हम नहीं कह रहे, ये जैसे आप ब्रिटिश एम्बेसी तो यूके से, कोई अमेरिकन एम्बेसी तो US बता रहा, कोई फ्रांस की एम्बेसी तो पेरिस से आ रहा है ये मैसेज, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइना, लीन सोर्सिंग करो, स्ट्रेटजिक सोर्सिंग करो, चाइना पे डिपेंडेंस कम करो। क्योंकि पीछे जो चाइना ने बिहेव किया वायरस के पहले का चाइना साहब और वायरस के बाद का चाइना, जो परसेप्शन लेवल है, दैट हैज कम्प्लीटली चेंज ही मसल। इट इज नॉट वॉट यू एंड मी से, यू एंड मी मे नॉट एग्री टू इट, बट वर्ल्ड लेवल पर आप किसी से भी पूछे, कहीं भी कहीं के भी लोग का आप इंटरव्यू देखे, एक चाइना के खिलाफ रेजेंटमेंट आया है जन नॉर्मल बंदे पे,
देखिए पॉलिटिकल रेजेंटमेंट यू कैन मैनेज, पॉलिटिकल रेजेंटमेंट आप शायद मैनेज करोगे, पर जो कॉमन आदमी पे रेजेंटमेंट आया है, और सच्ची बात तो मैं आपको एक आध चीज यहाँ एक बोलना चाहूंगा, मेरे दिल पे रह जाएगी नहीं तो बात, ये जो हमारे अमेरिका ने भाई साहब ये गए अफगानिस्तान, $1 ट्रिलियन लगाए, पीसा लगाए, लादेन को ढूंढा, बोरा बोरा इधर ढूंढा, फिर अबोटाबाद गए निकाला, चलो अच्छी बात है, आपको लगता आपको लगा यार हमारा टेररिस्ट से लोग मारे, निकाला, पर आपको बताऊं चीमा साहब विडंबना क्या हमारे और आपके हमारे टाइम की, वी हैव सीन अबोटाबाद, वी हैव सीन दिस टोरा बोरा, बट आज के डेट में अगर जो बाइडेन साहब को ये बोले यार वुहान कहाँ है, ये जो जिसने तेरे इतने मिलियन अमेरिकन मारे वो वायरस आया कहाँ से, बोला मैंने तो कुछ देखे ही नहीं, ये भी सच्चा है, ये कह रहा मुझे पता ही नहीं वायरस का, एक अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई थी वो भी दबा दी, एक टाइम एक हेडलाइन चली थी कि वायरस हैज बीन प्रॉक्सिमली लीक्ड फ्रॉम वुहान, हाँ वो हेडलाइन भी आ गई चीमा साहब, वो हेडलाइन नहीं मिलेगी अब आपको, मैंने उसकी ना वो स्क्रीनशॉट ले लिया था, मैं कहा पता ना कभी गायब हो जाए, मैंने स्क्रीनशॉट है मेरे पास अभी, तो वो हेडलाइन भी गायब हो गई। अब आप आज पुतिन की बात करो, यूक्रेन की बात करो, एग्रेशन की बात करो, पर जहां से ये इतने अमेरिकन मारे, करीब करीब 1 मिलियन अमेरिकन, वो वायरस कहां से आया, कैसे आया, किसने लाया, क्यों लाया, वो तो बात ही नहीं होती, क्योंकि अगर उनके साथ ट्रेड नहीं होता तो शायद उनकी भी बात होती, अब वो मिलिट्री पावर अच्छा खासा है चाइना, ट्रेड उनके साथ है तो बस 1.5 मिलियन अमेरिकन इधर उधर गए, कोई बात नहीं, हमने तो देखा ही नहीं कुछ, पता नहीं जी कहां से आया, ये भी चीजें होती है ना जियोपॉलिटिक्स में, मतलब बिल्कुल 5,000 लोगों के लिए आप अफगानिस्तान जा रहे हो, अबोटाबाद भी आए, चलो ठीक है आपने किया, जहाँ 1 मिलियन लोगों की बात आती है, मैं तो कुछ देखा ही नहीं, मैं तो देखता ही नहीं, वुहान कहां है पहले ये बताओ, ये भी जादू देखे शिवा साहब हमने, we have seen this magic happening in our lifetime. बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, थैंक यू वेरी मच सुमित पीर भाई फॉर हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड इंडियाज जापान पॉलिसी और साउथ चाइना सी में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी हमने बीच में कवर कर ली, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और एनालिसिस का, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।